आजादी का अमृत महोत्सव है, 75th इंडिपेंडेंस डे है, आप सभी को स्वातंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। करण कुंद्रा अब अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहते हुए नजर आए हमारे इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, कुछ लोग जो है हमारे देश में सिर्फ एक हाथ दुख का दिन इंडिपेंडेंस डे करते हैं, एक्चुअल में जो वैल्यू करनी चाहिए हमारी इंडिपेंडेंस डे की या हमारे देश की, वो वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी नहीं करते। जो सैक्रिफाइसेस है हमारे आर्म्ड फोर्सेस ऑन अ डेली बेसिस करते रहते हैं हमारे लिए, उसे हम वैल्यू नहीं करते। और आखिर वैल्यू कैसे करना चाहिए, क्या कह रहे हैं करण, चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, में हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करण। वेल, करण का कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जो है उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ की वैल्यू नहीं है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है हमारे लिए ऑन अ डेली बेसिस कितने ज्यादा सैक्रिफाइसेस करते रहते हैं। इतने ज्यादा देश जो है मैंने देखे हैं जहां पे बेसिक राइट्स भी उन लोगों को नहीं मिलते और हमें इतना ज्यादा फ्रीडम मिल रखा है, हमें इसके लिए ग्रेटफुल होने की जरूरत है, ना कि अनग्रेटफुल। एंड मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं और समझते हैं कि हमारे फोर्सेस हमारे लिए कितनी ज्यादा जो है सैक्रिफाइस करते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम भी मिलके साथ चले ताकि हमारे देश का भला हो और हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने। क्योंकि उनका कहना है कि छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, अगर वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरे करो तो भी आप एक बड़ी बात कर रहे हो। उनका कहना है कि रास्ते पर चलते फिरते ऐसे कुछ भी कचरा डालना बहुत गलत है, बुरी तरीके से ड्राइव करना काफ़ी गलत है, यानी शायद वो कह रहे हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव वगैरह करके आप चलते हो या रैश ड्राइविंग कुछ लोग करते हैं, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हमें हमारे देश के लिए प्यार और सम्मान ये दोनों होना ज़रूरी है। मैं बहुत कंट्रीज़ में घूमा हूँ, मैंने बहुत कंट्रीज़ को देखा है और बहुत सारे कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया है, बट ट्रस्ट मी हमारे भारत जैसा कोई भी देश नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति जो है, जो कल्चर है, वो और कहीं पे भी नहीं है। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट एंड हमेशा हमारे आर्म्ड फोर्सेस की, हमारे देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे आर्म्ड फोर्सेस है इसीलिए हम हैं, वरना हम नहीं होते। वेल, करण की ये सोच मुझे तो काफ़ी पसंद आई एंड आई एम ग्लैड दैट आई फॉलो ऑल दिस थिंग्स। आप क्या कहना चाहोगे, आप आज के दिन से अपने अंदर एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखकर चलना चाहोगे, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। करण के इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपकी क्या है राय, लेट मी नो। आई सी यू सून।